सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। ये एक हाथ देखिए, इस हाथ की विशेषता क्या है? इस हाथ में अगर आप देखें तो उंगलियाँ जो है इनकी, उंगलियाँ हथेली के आकार से ज्यादा छोटी है, उंगलियां ज्यादा लंबाई नहीं लिए हुए नहीं है, लेकिन इनका हथेली काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, ठीक है, जो काम को करते हैं उसको मन लगा के करते हैं और एक जगह टिके हुए रहने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कभी भी कोई भी करियर रिलेटेड इश्यूज नहीं आते हैं, बिकॉज इनको पता है कि इनको करना क्या है और उसी काम पे उसी जगह पर स्टेबल होकर पड़े रहते हैं। ये कभी भी बहुत ज्यादा अपना दिमाग इधर उधर लगा के अपना ये कभी ये चेंज कर लिया, कभी वो चेंज कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसा नहीं करते। ये बहुत स्टेबल होते हैं। हथेली बड़ा होना मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धीर स्थिर और एक रुख में आगे बढ़ने वाला, एक दिशा में आगे बढ़ने वाला, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि ये थोड़े से धीमे बढ़ते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि अगर उंगलियां अगर लंबी रहेंगी ना तो ये महत्वाकांक्षा को बढ़ा देती है। उंगलियां अगर छोटी रहेंगी तो महत्वाकांक्षाएं उतनी नहीं होंगी। ये लोग ज्यादा प्रैक्टिकल टाइप के होंगे, ठीक है। अगर आप इनको कहोगे ना अंगूठी पहनने के लिए तो ये कभी भी अंगूठी नहीं पहनेंगे। ये लोग कर्मवादी होते हैं, ठीक है, भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे जीते हैं। इनके हाथ में एक प्रबल रेखा जो बना रहे हैं ये, और दूसरी इस तरह से भाग्य रेखा आगे बढ़ी है, फिर नीचे से एक दूसरी भाग्य रेखा बढ़ते हुए आगे चल गई है। ये ट्रायंगल बनते हुए भी खंडित हो गया, खुल गया है ट्रायंगल। इस वजह से मे बी ये अपने लाइफ में दो अलग अलग तरह का काम करें। एक इनकम उनका फिक्स इनकम रहेगा, कोई जॉब वगैरह करेंगे, या फिर अपना कोई धंधा इनका रहेगा जहाँ पर ये अपने हिसाब से काम करेंगे। ऐसे लोग अच्छे शेफ होते हैं, ऐसे लोग अच्छे मैकेनिक होते हैं, हाथ का काम बहुत अच्छा जानते हैं, ठीक है। तो इनके पास या तो एक फिक्स जॉब होगा और दूसरा पार्ट टाइम जॉब होगा या पार्ट टाइम अपना खुद का काम होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि शेफ की नौकरी कहीं और कर लेते हैं, होटल में शिफ्टों में, फिर बाहर आकर शाम के टाइम में एक स्टॉल लगा लेते हैं, उसमें भी खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो दो तरफा इनकम इनका है। सुबह एक काम करेंगे 8 घंटे का, एक शिफ्ट अलग करेंगे, और दूसरा शाम को फिर 4 घंटे का शिफ्ट अलग करेंगे। तो इस तरह से इनके पास ऑप्शंस रहेंगे काफी ज्यादा कि ये किस तरह से कमाए, आगे बढ़े। हाँ, इनके पास एक अच्छी बात ये रहती है कि ये लोग ना धीरे धीरे ही सही लेकिन धन इकट्ठा कर लेते हैं। ये सेविंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, खुद बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत ज्यादा इनको तड़क भड़क पसंद नहीं है, बहुत सिंपल रहते हैं, इतना डाउन टू अर्थ रहते हैं बाहर से पता भी नहीं चलेगा। अगर ये आज के डेट में करोड़पति भी बन जाए ना तो ये कभी भी अपना आउटफिट चेंज नहीं करेगा, ये हवाई चप्पल में ही चलेगा, सिंपल कुर्ता पजामा पहनेगा या सिंपल टी शर्ट और पैंट पहनेगा, जीन्स नॉर्मल, बहुत ज्यादा हुआ तो जीन्स नॉर्मल वाला जीन्स पहनेगा। इसके बाहरी आवरण से इसके पास कितना बैंक बैलेंस है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसके देखिए, गुरु की उंगली भी सूर्य की उंगली से ज्यादा ऊंची है, वही बात आ जाती है। इनका डोमिनेंस स्ट्रांग होता है लेकिन सादा जीवन, उच्च विचार वाला इनका थॉट प्रोसेस होता है और उदार चित्त भी होते हैं, फैमिली के लिए ज्यादा अपना उदारता रखते हैं। अक्सर देखा गया कि ऐसे लोग फैमिली में काफी जिम्मेदार होते हैं, अपने फैमिली को समय देना, फैमिली के लिए करना, मतलब जो भी है मेरा फैमिली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाली बात इनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होती है। गुरु की उंगली अगर सूर्य की उंगली से ज्यादा ऊंची है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को एडवाइस देता है तो वो फलित होता है। अगर सूर्य की उंगली की ऊंचाई ज्यादा अच्छी है गुरु की उंगली से तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करता है, काम करवाने में, किसी को काम में लगाने में या किसी प्रोडक्टिविटी को अच्छे तरीके से उसका आउटपुट निकालने में सूर्य की उंगली काम करता है, जबकि गुरु की उंगली जो है उस प्रोसेस को किस तरह करें उसको बताने में हेल्प करता है। यानी गुरु इज अ एडवाइजर, किंग मेकर एंड सूर्य इज अ किंग। तो हमेशा गुरु सूर्य की मदद करता है। तो इनके हाथ से ये पता चलता है कि इनका जो इनकी जो उंगली है गुरु की उंगली, ये हमेशा दूसरों को प्रेरित करने में, उनको हेल्प करने में अपना जो है समय देते हैं, प्लस अपना खुद का भी काम करते हैं। और इसी वजह से इनके अंदर एक रुखता आ जाती है कि जो है लाइफ में एक प्रिंसिपल को फॉलो करो और वैसे ही जियो, ठीक है। तो अगर आपके हाथ में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन बन रहा हो तो जरूर इसको देखिए, नोटिस कीजिए, और ये सारी चीजें जो है आपको आने वाले समय पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी हस्तरेखा को सीखने में। उसके अलावा जो लोग रेगुलर मेरा हाथ का वीडियो देखते हैं तो क्लासेस अगर करना है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस करा रहा हूँ विद सर्टिफिकेट, आप लोग क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं।
तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।